करोड़ों उम्मीदों को लेकर चंद्रयान 2 चांद की ओर बढ़ चला है। करोड़ों आंखें अब चांद की ओर टिकी हैं जब 48 दिन बाद चंद्रयान 2 चांद पर उतरेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रयान 2 को चांद पर उतारेगा कौन? कौन है जो चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा? बताएंगे आपको और रूबरू कराएंगे उन लोगों से जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चंद्रयान 2 को चांद की ओर भेजा। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कहानी में आगे बढ़ने से बता दूं कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुथैया विनीता। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक मुथैया विनीता के पास है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर मुथैया करीब 2 दशक से इसरो का हिस्सा हैं। इस दौरान विभिन्न शोध और अनुसंधान से उनका सीधा जुड़ाव रहा। बात चाहे कार्टोसेट 1 की हो या फिर ओशियन सेट 2 की या फिर मेगा ट्रॉपिक रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए डेटा सिस्टम को तैयार करने की, सभी प्रोजेक्ट्स में विनीता की अहम भूमिका रही। विनीता की योग्यता को देखते हुए ही 2006 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक के रूप में चुना। यूआर राव स्पेस सेंटर के उपग्रह केंद्र में डिजिटल सिस्टम समूह टेलीमेट्री और टेली कमांड डिविजनों का नेतृत्व कर चुकी विनीता को अन्नादुरई के रिटायर होने के बाद करीब 18 महीने पहले चंद्रयान 2 के परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले विनीता रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए डेटा हैंडलिंग सिस्टम बनाने की अगुवाई कर चुकी हैं। विनीता के बाद अब बात करते हैं रितु करिधल श्रीवास्तव की। रितु चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर हैं। इससे पहले मंगलयान उपग्रह की लॉन्चिंग में भी उनकी अहम भूमिका रही। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यूपी से ताल्लुक रखने वाली रितु की शुरुआती पढ़ाई सेंट एग्निस स्कूल और नवयुग कन्या विद्यालय से हुई। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने MSc की पढ़ाई की। 1997 में प्रोफेसर मनीष गुप्ता के अंडर रितु ने PhD शुरू की। रितु पढ़ाई में बहुत तेज थी, मेधावी थी। उनके बड़े बड़े सपने थे जिनके लिए वे बहुत मेहनत करती थी। रिसर्च को एक साल ही हुआ था कि रितु ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट पास कर लिया। गेट में मिली सफलता के बाद रितु बेंगलुरु चली गई। अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी रुचि थी, इसलिए रितु ने इसरो ज्वाइन किया। 2007 में रितु इसरो की प्रथम युवा वैज्ञानिक चुनी गई। विभिन्न अभियानों का हिस्सा रहीं रितु ने मंगलयान मिशन में डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। इस बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि विज्ञान में पारंगत रितु का भारतीय परंपराओं में भी पूरा यकीन है और वह अपनी पूरी निष्ठा से पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत भी करती हैं। अगर नासा और इसरो में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो नासा में 17,219 लोग काम करते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या करीब 5,000 की है, जबकि इसरो में कुल 17,000 लोग काम करते हैं और महिलाओं की संख्या 3,500 के करीब है, जो इसरो के मानव संसाधन का करीब 20% है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए jagran.com पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।